हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल और आज ट्वेल्थ क्लास में लेक्चर ट्वेंटी सेवन थे ये आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर और इसका नाम क्या है रिलेशंस एंड फंक्शंस आज करेंगे हम एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का बेसिक अभी एक्सरसाइज पे नहीं जा रहे बेसिक पढ़ेंगे बेसिक में आपके पास मेनली क्या है बेटा एक तो आपको रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन रिलेशन कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ेंगे रिलेशन के डायरेक्ट डेफिनेशन बताने से पहले इसका बेसिक आपको कराती हूं था? था, well चीजों की कलेक्शन कलेक्शन भी कैसी हो वेल well डिफाइंड उसे हम क्या कहते थे मान लीजिए हम बात करते हैं क्या इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स की तो ये जो कलेक्शन होगी ये कैसी है आपके पास वेल well डिफाइंड है ठीक है हमें पता है वोवल्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है और अगर मैं बात करूं कि फाइव फेवरेट बुक्स ऑफ मैथ्स पांच की पांच मैथ्स की फेवरेट बुक्स के नाम तो यहाँ पे लिस्ट गड़बड़ हो जाती है किसी बच्चे को कोई पांच बुक्स पसंद है अनदर को कोई पांच बुक्स पसंद है और अनदर को कोई पांच बुक्स पसंद है जब आपकी कलेक्शन चीजों की परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाती है तो वो आपका सेट नहीं रहता वोवल की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है टू आप किसी से भी पूछ लीजिए वो वोवल की अगर वोवल पूछेंगे तो वो यही बताएगा ए आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं ठीक है तो ये था हमारे पास डेफिनेशन किसकी सेट की क्या अ वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए सेट सेट से नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हम सबसेट सबसेट के बारे में पढ़ा था क्या एग्जाम्पल से समझते हैं अगर ए कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट है वन टू थ्री और फोर और बी कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं वन और टू तो हम क्या कह देंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्यों क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए यहाँ का हर एक एलिमेंट इसमें है तो ये इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा और ये सिंबल है सबसेट का बेसिकली वैसे ही प्रॉपर सबसेट का है ठीक है इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओडर्ड पेयर के बारे में तो ओडर्ड पेयर हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं पेयर में लिखे जाते हैं और उनको ब्रेकिट में डाल देते हैं ठीक है यहाँ वाला आपका होता है फर्स्ट एलिमेंट और यहां वाला होता है आपका सेकेंड एलिमेंट ये अगर आ जाए तो ये आपकी कौन सी नोटेशन है किसमें लिखे हुए हैं ये ये ओडर्ड पेयर में लिखे हुए हैं है। ठीक है अब ये सारे डेफिनेशंस मैंने आपको बताई क्यों हैं क्योंकि अब हम कर रहे हैं क्या कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स दो सेट्स की प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होती है ठीक है रिलेशन डायरेक्टली ही रिलेट है ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास कोई दो सेट हैं ए और बी तो उनकी कार्टिजन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से दिखाते हैं ए क्रॉस बी में कैसे से होते हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ठीक है बट इस ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ही होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से ही होता है ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से ठीक है अगर हम बात करें बी क्रॉस ए की इसमें भी ओडर्ड पेयर ही होते हैं बट ध्यान दीजिएगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा ठीक है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा ये होती है आपकी किसकी कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बट हमने क्या पढ़ना है हमने पढ़ना है रिलेशन रिलेशन वही है हिंदी में बात करें संबंध जिसमें से जब दो इंसान आपस में कोई उनका रिलेशन होता है तभी तो वो आपस में जुड़े होते हैं ठीक है वैसे ही दो सेट्स आपस में किसी न किसी रिलेशन से जुड़े होते हैं ये रिलेशन वही है ठीक है रिलेशन की डेफिनेशन वैसे क्या है रिलेशन आर से डिनोट करते हैं एंड इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए कह लो ठीक है रिलेशन आर क्या होता है किन्ही भी सबसेट्स की एक सबसेट की उसी के साथ या दो सबसेट्स की कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ठीक है ध्यान से देखिए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ठीक है एक बहुत एग्जांपल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि रिलेशन कैसे होता है और कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे होती है ध्यान से देखिएगा अगर आपके पास ए कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी और ए बी सी नहीं लिखते नंबर से लिखते हैं One, two, three. और बी कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं फाइव और सिक्स पहले हम क्या करते हैं हम निकालते हैं इनके प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हमें पता है क्या है सारे ऑर्डर्ड पर रहेंगे कैसे फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा सेकेंड एलिमेंट बी से आएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वन और फाइव फर्स्ट एलिमेंट ए का ही ले रहे हैं टू और फाइव थ्री और फाइव टू और फाइव टू और फाइव तो, तो लिख दिया वन और सिक्स टू और सिक्स और थ्री और सिक्स हो सबको पता लग रहा होगा ये कैसे लिखे हैं हमने ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं जहां पे जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है वो तो फर्स्ट सेट से ही है और सेकंड सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से ही है ठीक है इससे ज्यादा एलिमेंट इसमें नहीं होंगे क्यों क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है अगर मान लो इसमें एम एलिमेंट्स हैं इसमें एन एलिमेंट्स हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में एम क्रॉस एन एलिमेंट ही आएंगे यहाँ पे कितने एलिमेंट थे थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहां पे कितने एलिमेंट्स थे टू तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में कितने आएंगे तीन दूनी छे छ एलिमेंट आएंगे एक दो तीन चार पांच छ यानी कि हमने सारे लिख लिए हैं कोई छोड़ा नहीं ठीक है अब देखिए हमने कोई आर डिफाइन किया रिलेशन कुछ भी हो सकता है ठीक है मैं एक रिलेशन अपनी तरफ से दिखा रही हूं क्या आर कैसा डिफाइन किया आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ही है सेकंड एलिमेंट सेकंड से ही है बट क्या कंडीशन बता दी आर में कि ए प्लस बी दोनों का सम क्या आ जाए लेस देन एट हो ये कंडीशन बता दी मैंने ठीक है कि रिलेशन में वो वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनका सम आठ से छोटा है तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे पांच और एक छे इनका सम तो आठ से छोटा है तो एक तो ये आ गया टू और फाइव इनका सम क्या है सेवन ये भी आ जाएगा थ्री और फाइव इनका सम क्या आएगा एट बट एट से छोटा होना चाहिए इक्वालिटी नहीं है यहां पे तो इसको हम नहीं लेंगे वन और सिक्स ले लेंगे सात है इनका जोड़ इनका जोड़ आठ है इनका जोड़ नौ है नहीं लेंगे यानी कि रिलेशन में क्या आ गई ये तीन एलिमेंट आ गए ठीक है रिलेशन क्या होता है कोई भी रिलेशन हो सकता है जिनमें दो सेट्स के एलिमेंट आपस में जुड़े हैं मैंने एक पर्टिकुलर अपनी तरफ से डिफाइन किया था ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं कितने हो सकते हैं अगेन उसके लिए फॉर्मूला है अगर ए सेट में आपके पास एम एलिमेंट है और बी सेट में आपके पास एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने रिलेशन हम बना सकते हैं टू की पावर एम एन इस सिचुएशन में क्या आएगा टू की पावर तीन दुनी छ चौसठ सिक्सटी फोर रिलेशन दोनों सेट्स के बीच में एक ये हो सकता है कोई माइनस में हो सकता है कि दोनों का डिफरेंस ये होना चाहिए कोई डिवाइड में हो सकता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये डिवाइड करें तो ये कुछ भी हो सकता है टू ए इतना होना चाहिए ऐसे ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं सिक्सटी फोर रिलेशन हो सकते हैं ठीक है चीके? ये थी बेटा रिलेशन की डेफिनेशन दोबारा देखिए क्या होता है रिलेशन एक तरह से सबसेट होता है क्या ए क्रॉस बी का दो अगर सबसेट हैं ए और बी उनकी कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन एग्जाम्पल से करा ए सेट लिया बी सेट लिया पहले उनकी कार्टिजन प्रोडक्ट्स में एलिमेंट लिखे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया ठीक है फिर आर कोई रिलेशन अपनी तरफ से डिफाइंड किया ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाए जिनका जोड़ क्या है आठ से छोटा है तो मुझे ये तीन एलिमेंट मिल गए यानी कि रिलेशन में क्या है थ्री एलिमेंट्स हैं और ऐसे ऐसे रिलेशंस बहुत सारे हो सकते हैं उसका भी क्या है एक फॉर्मूला है ठीक है जब हम लिखते हैं इन एलिमेंट्स को तो क्या होता है ए आर बी ऐसे लिखते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी यहां पे क्या लिखेंगे वन आर फाइव इज 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 रिलेटेड 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 टू 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 ऐसा रिलेशन के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं ठीक है ये तो था आपके पास रिलेशन क्या है अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन के टाइप्स कितने हैं ठीक है वन बाय वन अब हम उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो हमने रिलेशन देखा कैसे होता है एक चीज और हम यहां से क्या निकाल सकते हैं रिलेशन की डोमेन भी और रेंज भी बहुत आसान है यहीं पे निकालते हैं ये रिलेशन के एलिमेंट्स आगे हमारे पास तो डोमेन क्या लिखेंगे आप डोमेन क्या होएगी फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट वन टू और वन रिपीट नहीं करना है वन और टू ये आ गई आपके इस रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या आएगी रेंज आएगा सेकेंड सेकेंड एलिमेंट रिलेशन का फाइव फाइव सिक्स रिपीट नहीं करते फाइव और सिक्स ठीक है अगर आई रिपीट डोमेन क्या होती है रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट फर्स्ट ठीक है और रेंज क्या है सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड सेकेंड एलिमेंट ये डोमेन और ये रेंज तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिलेशंस कई प्रकार के होते हैं और वन बाय वन हम उनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो बेटा अब हम बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन क्योंकि हम एनसीआर को फॉलो कर रहे हैं तो रिलेशन के टाइप हम एनसीआर के अकॉर्डिंग ही करेंगे फर्स्ट आपके पास क्या है एम्पटी रिलेशन फर्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे किसकी एम्पटी रिलेशन की समझा भी रही हूं मैं आपको और जो आपको रिटर्न नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में है उनमें आपको पास सारा ही डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप अपने नोटबुक को वैसे ही बना लीजिएगा ठीक है एम्प्टी रिलेशन नाम से दिख रहा है एम्प्टी खाली ऐसा रिलेशन ऐसा आर जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो जो खाली हो उसे हम क्या कहते हैं एम्प्टी रिलेशन एग्जाम्पल से करते हैं ए कोई भी सेट ले लेते हैं वन टू थ्री और फोर बी 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 भी, भी नहीं लेते जरूर थोड़ी ना हर बार हम दो सेट ले हम ए की ए के साथ भी तो दिखा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है हमने क्या किया रिलेशन ऐसे डिफाइंड किया कि इसमें ओर्डर्ड पेयर हैं ठीक है फर्स्ट एलिमेंट ए से है और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ए की ए के से दिखा रहे हैं तो सेकंड भी किसमें है ए में है और रिलेशन क्या दिखाएं ए माइनस बी इक्वल टू टेन ऐसे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंस क्या है टेन है कि फर्स्ट वाले में से सेकेंड घटाएं तो टेन आए अब फर्स्ट एलिमेंट भी इसका लेना है सेकेंड एलिमेंट भी इसका लेना है क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी तरह से कि दोनों का डिफरेंस टेन आ जाए One में से वन या वन में से टू वन में से थ्री ऐसे आपस में कहीं घटाए तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है या फिर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो यहाँ पे आर आ गया आपके पास क्या आ गया एम्पटी रिलेशन ठीक है इसका जस्ट अपोजिट है सेकेंड क्या यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन इसमें क्या होता है यहां पे तो आर एम टी आ गया अगर यहां एक के ही बराबर आ जाए उसका सबसेट होता है ना सबसेट ना प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो वो आपका क्या होता है यूनिवर्सल सेट एग्जाम्पल से समझते हैं अगर ए कोई भी सेट है आपके पास वन और टू और रिलेशन के एलिमेंट ऐसे दे दिए वन टू वन वन टू 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 और ठीक। अब ध्यान से देखिए जरा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए रोस में हो और आर में ना हो मतलब सारे एलिमेंट ए के ए के एलिमेंट ए से ही रिलेशन में है वन वन से ही रिलेशन में है टू टू से ही रिलेशन में है वन टू के साथ रिलेशन में है और टू वन के साथ रिलेशन में है. सारे एलिमेंट्स तो कवर हो गए हैं ठीक है थोड़ा सा और आपका पॉइंट क्लियर कर देते हैं जरा ए क्रॉस ए निकालिए इसके साथ ही कार्टिजन प्रोडक्ट निकालिए तो उसमें भी क्या आएंगे फर्स्ट एलिमेंट ए का सेकंड एलिमेंट बी ए का फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट बी ए का फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट बी ए का फर्स्ट एलिमेंट ए का सेकंड एलिमेंट बी ए का ए क्रॉस ए भी यही आ रही है और रिलेशन में भी हमने यही एलिमेंट दे दिए दोनों बराबर हो गए और जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो आपका क्या हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन ठीक है ये दो तो थे आपके पास ट्रिवियल रिलेशन ठीक है मेन बेसिक आपके पास ये नेक्स्ट थ्री हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वन बाय वन अब हम इनको देखते हैं फर्स्ट क्या है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेकेंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा इनको फर्स्ट देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव किसी भी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव कब कह देंगे जब उसमें क्या होंगे सारे ऐसे एलिमेंट होंगे फोर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ए कोई सेट है उसमें कुछ एलिमेंट है हर एक एलिमेंट उसी से ही रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल अगर ए कोई भी सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं वन टू और थ्री और अगर रिलेशन में आ गए एलिमेंट कौन कौन से वन वन टू टू थ्री थ्री ठीक है देखिए जरा रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या आता है ए एक एलिमेंट उसी के साथ ही क्या होना चाहिए रिलेशन में होना चाहिए यानी कि आर में कैसे ऑर्डर पेयर आने चाहिए सेम सेम वन वन से रिलेटेड है टू टू से रिलेटेड है थ्री थ्री से रिलेटेड है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आर आपके पास रिफ्लेक्सिव है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव मान लो इसमें ये एक एलिमेंट ना होता अब इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है फॉर एवरी ठीक है हर एक ए के लिए उसी के साथ ही एलिमेंट्स रिलेटेड मिलना चाहिए और अगर मान लो ये तो है साथ में एक एलिमेंट और है एक्स्ट्रा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स्ट्रा चाहे चार और but हो बट हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही वन वन के साथ अटैच है टू टू के साथ रिलेशन में है थ्री थ्री के साथ रिलेशन में है बस हमारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है इससे ज्यादा कितने भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बट अगर इनमें से एक भी कम हो गया फिर वो चेंज हो जाएगा ठीक है इस इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव सेकेंड देखिए सेकेंड आपके पास क्या आता है सिमिट्रिक सेकेंड है रिलेशन सिमिट्रिक इसमें देखिए क्या है इस रिलेशन में क्या होता है अगर ए बी बिलोंग करता है आर से ठीक है इस रिलेशन में अगर ये भी है तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा बी ए बी किस में होएगा, होएगा ठीक है अगर रिलेशन में ये पेयर है तो रिलेशन में इसका इन्वर्स भी होगा उल्टा करेंगे तब भी होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको यहां पे इफ ए कोई भी सेट है उसके एलिमेंट्स क्या हैं वन टू और थ्री है और रिलेशन में एलिमेंट दे दिए वन और टू टू और थ्री टू और वन थ्री और टू अब देखिए जरा कंडीशन को पढ़ते हैं इफ अगर ए बी है आर में तो बी ए होना चाहिए तो हम ए बी को देखें वन टू है रिलेशन में तो क्या इसमें टू वन भी है है टू थ्री है रिलेशन में तो क्या थ्री टू भी है है सारे एलिमेंट देखने हैं एक भी छोड़ना नहीं है टू वन है तो क्या वन टू है है थ्री टू एलिमेंट है तो क्या टू थ्री है हाँ ठीक है चीके? सारी इस कंडीशन को हमने और पेयर नहीं बनाने हैं इन्हीं में से चेक करने हैं अगर ये है रिलेशन में तो देखना है कि बी ए है या नहीं है यहाँ पे कंडीशन सेटिस सेटिस्फाई हो रही है तो ये रिलेशन आपका कैसा आ गया सिमेट्रिक। अगेन वही चीज अगर ये ना हो तो दिक्कत आ जाएगी ठीक है वन टू का अपोजिट टू वन है बट टू थ्री का तो नहीं है ठीक है तो यहां पे क्या आ जाएगा सारे ही पेयर का आपका आना चाहिए ऐसा एक भी पेयर नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसका एलिमेंट अगर ए बी है और बी ए नहीं है मान लो इसी में ही अगर एक एलिमेंट मैं और एड कर दू क्या अब ये सिमेट्रिक है वन थ्री तो है क्या थ्री वन है नहीं है तो ये बदल गया एक एक ऑर्डर्ड पेयर मैटर करता है ठीक है अब आपके पास आर क्या आ गया सिमिट्रिक आ गया ठीक है थर्ड की बात करते हैं दैट इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन इसके भी स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा इफ ए और बी रिलेशन में है एंड बी और सी भी रिलेशन में है दिस एम्प्लाइज तब क्या होना चाहिए ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए ध्यान से देखिए ए बी है और बी सी है अब दो होने चाहिए यहाँ पे बी सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे बी फर्स्ट एलिमेंट है कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, हम यही कंडीशन देखेंगे ए बी है बी C है तो क्या ए है वो ये देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं अगर A कोई भी सेट है इसके एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री और रिलेशन में एलिमेंट आ गए हैं वन टू वन थ्री टू वन 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 बस इतना ही है लिखते हैं ठीक है अब देखिए जरा इनमें से क्या ये ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव हमने क्या देखना ए बी और बी सी दो चीजें होनी चाहिए तब तीसरे को देखेंगे कि एसी है या नहीं है यहां पे देखो ए बी है ए बी है और ये देखो बी सी भी है ठीक है ए बी हो गया बी सी हो गया तो क्या आपके पास वन वन है एसी है हाँ है कंडीशन सेटिस्फाई होगी और देखिए जरा पेयर ऐसे ढूंढने हैं ये दोनों होने चाहिए ए बी बी और बी सी है देन हम तीसरे को ढूंढेंगे यहाँ पे वन थ्री तो है पर थ्री के साथ कोई पेयर नहीं है तो नहीं ढूंढेंगे ये वन वन है और वन टू है तो क्या वन टू है वो है ठीक है तो ये आपके साथ क्या जाएगा? आ जाएगा ट्रांजिटिव आ जाएगा ठीक है दोबारा देखिए कैसे था हमने कैसे पेयर ढूंढने हैं ए बी बी है और बी सी बी है देन देखना है ए सी है या नहीं है ठीक है यहाँ पे क्या था ए बी है हमें दिख रहा है ना ए और बी वन टू है टू वन है तो क्या वन वन है हा है ऐसे ही और दो पेड़ ढूंढने हैं ठीक है मान लो अगर ऐसे होता आपके पास थ्री और ये हो जाता आपके पास टू थ्री ये वाला तो आ जाएगा और टू थ्री होता तब भी है कंडीशन देखो जरा वन टू है टू थ्री है तो क्या वन थ्री है हा है ठीक है और क्या हो सकता है इसमें तो सारे ही आ गए एलिमेंट्स और अगर हो थ्री वन भी ले लें अब भी रिफ्लेक्सिव बना रहे ट्रांजिटिव बना रहेगा कैसे बी सी है, है. है, है तो क्या ए सी है 1, 1 है हाँ है ठीक अगर मान लो ये नहीं होता अब मुश्किल हो जाती अब ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें ए बी भी है बी सी भी है तो ए सी नहीं है अब ये किस कंडीशन में आ जा आ जाता नॉट ट्रांजिटिव ठीक है तो ये हमारे पास थे तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन एक और नया वर्ड आता है क्या इक्वी वैलेंस रिलेशन इक्वी रिलेशन ये क्या आएगा जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है उस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन अगर एग्जाम में आ जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है चेक कीजिए तो आप इन तीनों रिलेशंस को ही वन बाय चेक करोगे इसमें क्या आएगा हर एक एलिमेंट इसी से रिलेटेड होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए ठीक है यहां पे क्या आना चाहिए इफ ए भी अगर रिलेशन में है तो इसका अपोजिट होना चाहिए ट्रांजिटिव में क्या है अगर ए बी और बी सी दोनों ही रिलेशन में है तो ए सी होना चाहिए ठीक है ये तीन कंडीशन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये आपके पास क्या है तीनों ही कंडीशन किसकी हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन की हैं। तो आज तो बेटा आपका काम यही है कि आपने ये सारी बेसिक डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है होप कि आपका आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू